सबको राम राम। आज नए ब्लॉग में सबका स्वागत है। आज हमें खेत में जाना है पर पापा इतने लेट लतीफ़ हैं। मेरा सैंडल निकल गया था तो माँ जी ने मुझे सैंडल पहनाया। मम्मी माँ जी और पीकू को बाय बाय करके चल दिए। बाबा जी वाली बाइक लेकर खेत में चल दिए। रास्ते में सबको राम राम करते हुए खेत में पहुँच कर चोल का निरीक्षण किया। ओह कितने सारे छोला। पुली में से मोटा सा गन्ना लिया चूसने को, पर बहुत भारी था तो पापा से कहकर पोरी तुड़वा ली। बड़ा मीठा था। फिर ताऊ जी ट्रैक्टर लाए तो मैं भी ट्रैक्टर पर बैठ गया। कुछ सब्सक्राइबर आए थे मुझसे मिलने, पर मैंने सोचा छोड़ो गन्ना बहुत मीठा है, इस पर कॉन्सनट्रेट करते हैं। से पत्ती अलग करने लग रहे थे तो पापा ने दाती देकर छोलने की प्रैक्टिस करवाई। छोलना बड़ा मुश्किल काम है। फिर पापा के भरोसे मैं ट्रैक्टर पर से कूद गई और उन्होंने मुझे बहुत सारी प्यारी की। फिर ट्रॉली पे रैंप वॉक की प्रैक्टिस की, ट्रॉली भरना शुरू किया। भैया कितनी भारी पुली लाए थे उठा के, और ताऊ जी ने क्या गंडा सा चलाया, सब ढेर कर दिए। हाय राम, पूरा खेत घूमने के चक्कर में मैं तो गिरता गिरता बचा। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करते हैं हम लोग। सबको बाय बाय करके घर के लिए वापस चल दिए। पापा जल्दी चलो घर जाना है, बहुत भूख लगी थी। तो घर आते ही मैंने बुबू पिया। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सारे मैट सुखाए, थोड़ी सी रनिंग कर लूँ। अब मैंने बंदर बन के मम्मी को देखा। अब मैंने खाना खाया। फिर थक के पापा के पेट पे सो गई। आज दोपहर में सोकर उठी तो मैच निकल गया था थोड़ा सा। सोकर उठने के बाद मैंने पापा के साथ मैच देखा। अब ये झाड़ू का काम भी, अब मैं थोड़ा सा झूला झूल लूँ। अब मुझे माँ जी से सिलाई सीखनी पड़ेगी। इंडिया हार गई, मेरा दिल टूट गया, मैं बहुत रोई। गुड नाइट, अब मैं सोने जा रही हूँ। कल मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय, टेक केयर।